हाउ टू लूज वेट या अपने वजन को तेजी से कैसे घटाएं? ये सवाल हर 10 में से 5 इंसान के मन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सभी अपने मोटापे से परेशान होते हैं। लेकिन मोटापा घटाने के तरीकों से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये मोटापा होता कैसे है, इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण क्या है, और अगर एक बार हमने ये समझ लिया तो मान लीजिए आपने आधा जंग जीत लिया। है ना आश्चर्यजनक बात? लेकिन ये सच है और लगभग हर समस्याओं पर ये लागू होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल What is What पर। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, एक बड़ा ही अच्छा सटायर है, जो ज़रूरत से ज़्यादा खाएगा वो समय से पहले जाएगा। इसका मतलब खुद ही समझ लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं मोटापे का एक्चुअली में प्रोसेस क्या है, कैसे कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कैसे कुछ लोग पतले रहते हैं और कई लोग तो फिट भी होते हैं। जैसा कि ये समय साइंस और टेक्नोलॉजी का है, तो सबसे पहले हमें इसके पीछे का विज्ञान जान लेना चाहिए, मतलब मोटापे के पीछे का साइंस क्या है। दोस्तों, वेट बढ़ने का विज्ञान बड़ा सीधा साधा है। यदि आप खाने पीने के रूप में जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी बर्न नहीं करेंगे, मतलब जलाएंगे नहीं या यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका वेट बढ़ना तय है। तो दोस्तों, होता क्या है, जो बची हुई कैलोरीज होती हैं हमारे शरीर में वो फैट के रूप में इकट्ठा हो जाती है और हमारा वज़न बढ़ने लगता है। जैसा कि हमें समझ में आ गया है कि वेट गेन होता कैसे है, अब अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा कि हम वेट कम कैसे करें या इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन फिर से, वज़न कम करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा वेट सही है या नहीं सही है। अब फिर से एक सवाल खड़ा हो गया कि ये पता कैसे चलेगा कि हमारा वेट कम है या ज़्यादा है या सही है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टूल है जिसको बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये टूल हमारे वज़न और लंबाई के हिसाब से बॉडी में कितना फैट है ये बता देता है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपका वेट जितना भी हो उसको सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको अपने हाइट को मीटर स्क्वायर में, मतलब कि अपने हाइट को सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसका स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर मतलब जैसे एग्जांपल आपका हाइट 2 मीटर है तो आपका जो हाइट का स्क्वायर हुआ वो 2 × 2 = 4 मीटर हो गया। तो अपने वेट को उस हाइट से डिवाइड कर दीजिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लगभग 4 पैरामीटर्स हैं कि आप किस वेट कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपको अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि घटाने की। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 के बीच में आता है, आप खुश हो जाइए, आपका वेट नॉर्मल है। जो अगला कैटेगरी है वो है 25 से 29.9। अगर आप इस बॉडी मास इंडेक्स के बीच में आते हैं तो आप ओवरवेट है, मतलब आपको अब सोचना शुरू करना पड़ेगा, मतलब कंजप्शन कम करें, बर्न ज़्यादा करें। लेकिन दोस्तों, जो अगला कैटेगरी है सबसे ख़तरनाक, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से भी ज़्यादा हो गया तो उसको ओबेसिटी कहेंगे, जो कि अत्यधिक वजन होते हैं, मतलब आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और आपको उस पर बहुत ही अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हम बस यही बताएंगे कि आपके वेट बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वेट कैसे कम करना है इसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाई गई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए हम कुछ और फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि आपके बॉडी मास बढ़ने के कारण हैं, बॉडी मास या वेट बढ़ने के कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो होता है खान पान। सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कम खा नहीं तो मोटा हो जाएगा, तो वही यहाँ पर कारण है खान पान। तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आप कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं लेकिन उसको बर्न नहीं कर रहे हैं उतनी मात्रा में, तो आपका वेट बढ़ेगा, तो वही लॉजिक यहाँ पर वो लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पर रोकना क्या चाहिए, अपने आप को किन चीज़ों को रोकना चाहिए खाने से, तो जैसे फास्ट फूड हो गया, देसी घी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या अगर एक शब्द में कहें तो जंक फूड,
आपको इन खानों से परहेज करना चाहिए या तो दूर रहना चाहिए, और खाइए भी तो लिमिट में खाइए, नहीं तो आपको अपना वेट कम करने में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि सबके बस की बात नहीं होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोग मोटे होने के बाद जिम में जाके घंटों पसीने बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, जिनके कारण मनोबल तौर पर वो गिर जाते हैं और सोचते हैं अरे अब तो कुछ होगा ही नहीं और छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग में ही ध्यान दे देंगे तो आपको वो नौबत ही नहीं आएगी आप जाके घंटों पसीना बहाएं। हाँ, फिजिकल फिट रहना अलग बात है, आप जाकर वहाँ पर जिम में फिजिकल फिटनेस के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर आप जाके वहाँ मोटापा कम कर रहे हैं तो वो तो आपने शुरू में ही गलती की, जिसका भुगतान आप जाके वहाँ कर रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण जो होता है वो है इनएक्टिव होना। नाम से ही समझ में आ रहा है, आप खा के पड़े हुए हैं, दिन भर सो रहे हैं, तो क्या होगा, आप कैलरीज इनटेक कर रहे हैं खाने के रूप में और बर्न नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है मोटापा तो बढ़ेगा ही। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बढ़ते हैं अगले मुख्य कारण में, जो कि है जेनेटिक। यदि आपके माता पिता में किसी भी एक का वज़न ज़्यादा है तो आपके वज़न भी ज़्यादा होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स का असर आपकी कितनी भूख लगती है, आपके शरीर में कितना फैट और मसल है, इस पर भी पड़ता है। यदि व्यक्ति के मेटाबॉलिक रेट और उसके शरीर इनएक्टिव होने पर कितनी कैलोरी जलाता है, इस पर भी वह प्रभाव डालता है। तो अगला कारण है वो है एज, मतलब कि उम्र। जैसा कि उम्र के साथ वेट बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी मांसपेशियाँ जो कि मसल्स हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। फैट की मात्रा बढ़ने के कारण डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसे खतरनाक बीमारियों के बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मेटाबॉलिज्म में भी कमी आ जाती है, इसके कारण भी हमारा वेट बढ़ जाता है। अगला जो फैक्टर है वो है जेंडर, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका वेट कैसे किन परिस्थितियों में बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो स्त्रियों की बॉडी में फैट की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है, नॉर्मल सी बात है, अगर हम इंडिया की बात करें, जैसा कि हमारा देश पुरुष प्रधान है, मतलब जितने फिजिकल वर्क होते हैं या बाहरी काम होते हैं वो आदमी ही करते हैं, मतलब मेल करते हैं, जिसके वजह से उनका फैट लॉस होता है। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो वो अपना अधिकतर समय घर में बिताती हैं, जिसकी वजह से उनका फैट बर्न नहीं हो पाता। देखा जाए तो नॉर्मल वेट की एक स्वस्थ स्त्री के शरीर में फैट की परसेंटेज 25% होता है, वहीं पुरुष में मात्र 15% होता है। जो अगला मुख्य कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण, मतलब साइकोलॉजिकल। कई बार देखा गया है कि वेट बढ़ने के मुख्य कारण में साइकोलॉजी भी आता है। ये कैसे आता है, अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, तो कई लोग लव अफेयर्स में होते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, जॉब कर रहे हैं, बॉस ने जॉब से लात मार के निकाल दिया, या तो अगर हम और दूसरे वर्ग की बात करें, कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, या तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन में आते हैं। अब डिप्रेशन में आने की वजह से क्या करते हैं, वो शराब पियेंगे, शराब पीने के बाद भूख लगती है, या तो फिर ज़्यादा कैलरीज का इंटेक करेंगे, या तो यही जंक फूड वगैरह खाएंगे, जिसके वजह से अल्टीमेटली उनका वेट बढ़ जाता है। अगला जो कारण है वो है प्रेगनेंसी। अब इसमें आमतौर पर क्या होता है, महिलाएं अपने बच्चे को सही पोषण देने के लिए खाना ज़्यादा इंटेक करती हैं, जिसके वजह से 5 से 10 किलो वेट बढ़ना आम बात है, जो कि कोई समस्या नहीं है, ये होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के सही पोषण के लिए। बीमारी, ये भी वेट बढ़ने का एक मुख्य कारण है। कैसे, अब सीधी सी बात है, अगर आपको बुखार हुआ है तो क्या करेंगे, बिस्तर पर पड़े रहेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सही मात्रा में खाना खा रहे हैं और लंबे समय के लिए बीमार हो जाते हैं, तो आपके वेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अगला जो कारण है वो है स्मोकिंग छोड़ने पर। सिगरेट पीना छोड़ने के बाद व्यक्ति का वजन 3 से 4 किलो बढ़ सकता है, पर स्मोकिंग क्विट करने से होने वाले फ़ायदा इसकी अपेक्षा में बहुत अधिक है, इसलिए दोस्तों स्मोकिंग छोड़ने में ही भलाई है। तो मित्रों, आज हमने मोटापे के क्या कारण हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये सभी कुछ इस वीडियो के ज़रिए जाना। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे मोटापा कम करने के तरीकों को लेकर। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कृपया करके इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए